तो अभी हमारे वर्कर्स पे आ गए क्योंकि बारिश आ गई है, तो जो बेलों से चलाना था वो भी स्टॉप हो गया है खेत में, और जो खेत का काम है वो अभी के लिए पोज हो गया क्योंकि बारिश आ गई है। इसलिए कुछ बहुत ही आजकल से भारती ड्राइव कर रही है, भारती ड्राइव करती है, और भारती का एक ये हमें और ओम अभी नोटिस किए है कि जैसे जैसे भारती रोज ड्राइव करती है ना, प्रैक्टिस से क्या होता है कि लोग की ड्राइविंग सुधरती है, भारती की खराब हो रही है, कभी रोज ब रोज रफ ड्राइवर बनती जा रही है क्योंकि अभी कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। हाँ, तो बोल रहे हो कि सब जाओ साइड में, अभी मैं परफेक्ट ड्राइवर हो गई हूं। कॉन्फिडेंस आ रहा है लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ना होना क्योंकि इसमें एक्सीडेंट हो सकता है फिर। हाँ। ओम तुम बताओ। ये मजाक है, वैसे भारती ने बोल सकते अभी 80% गाड़ी सीख ली है, फिर भी अभी धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस होती है रोज की प्रैक्टिस। अच्छा, ये थोड़ा सा वो कमेंट है, बापू की साइड ज्यादा तो फेवर कर रहे हैं, लेकिन अभी बापू को थोड़ा सा रेस्ट मिल रहा है। देखो जो पोस्टर लोग नहीं होते वो ड्राइवर होते हैं। हाँ। स्पेशली लेडी ड्राइवर, स्पेशल ब्यूटीफुल लेडी ड्राइवर है तुम्हारे साथ। तो अभी हम ओम को लेके आए और अभी हम जा रहे हैं दूसरे खेत में। मैंने आके ब्रेड खा लिए, बाकी कुछ और भी खाया, थोड़ा सा कचौरी वचौरी, और ये खाती रहो। और ये आप लोगों को पता होगा, पहले जो वीको की एडवर्टाइज आती थी ना, इसमें वीको वज्रदंती, हाँ, वो वाली नहीं कॉस्मेटिक, ये आयुर्वेदिक ऐसे करके और पूरा हाथ ऐसे करना होता है कि तुम्हारे दांत दुख रहे। हाँ, और फिर वो ब्रश करके फिर बड़ा सा, इतना तो हमारे से भी नहीं होता। हम नई स्कूटी कब लेके देने वाले हो मुझे गिफ्ट में? भाई तुम्हें कितना नया चाहिए गाड़ी? मेरा जन्मदिन चाहिए। बाय बाहू। तो हमारे इस खेत में हम जो बेलों से चला रहे हैं वो चल गया ऑलरेडी, हाथी जो हम बोलते हैं अभी दूसरे खेत में चल रहा है, नीलेश भाई है तो वो चला रहे हैं। और अभी आप जो हमें सुन रहे हो ना वो माइक की बदौलत है, वरना इतनी तेज हवा चल रही है। हाँ, कुछ आवाज नहीं आती। अभी हम आए हैं हमारे ये खेत में जहाँ पे मूंगफली में अभी चल रहा है बेलों से जो हाथी चलाते हैं वो, और ये बहुत ही पुराना हमारे दादाजी के टाइम का बड़ा बनियन ट्री है वो है। तो हमारे ये जो छोटा खेत है उसमें भी अभी हाथी चल रहा है, तीसरी बार, 2 बार ट्रैक्टर से चलाया है अभी बेलों से। और ये हमारा नया पार्टनर है मोहन। मोहन कहाँ, कौन सा जिला है तुम्हारा MP में? धार जिला से मोहन। वैसे हिंदी समझते MP वाले लोग क्योंकि उनको हिंदी बोलनी होती है, फिर भी बहुत टाइम से गुजरात में आते हैं ये लोग तो अभी गुजराती भी समझते हैं। और बेल है नीलेश भाई के, मेरे मामा का लड़का है नीलेश, मामा के बेल है। और साथी का आज मैं पूरा आपको थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, बेलों से लेके सारा कुछ। अभी तो ये छोटे इतने बड़े बेल है नहीं, ये काकरेज का है ना? हाँ, ये काकरेज ब्रीड का है, वो देसी लग रहा है दूसरे। और ये ना अनजान लोगों को फिर मारने भी कोशिश करते हैं कभी कभार, इनको मुंह में ये डालना पड़ता है क्योंकि वरना चलते टाइम ये खाना खाने के उसमें चलते नहीं है सही से। फिर ये जोतर हम बोलते हैं गुजराती में, इससे यहाँ पे इसको लोक लगाया जाता है। ये हम्बेल, धूहरी, मोरडो, नाथ, ये इसके नाक में डाला होता है कंट्रोल करने के लिए। तो एक तरह से देखा जाए तो बहुत लोग बोलते हैं कि बेल 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 बेल, लेकिन ये भी एक टाइप का क्या होता है कि उनको पूरा ट्रेन करना पड़ता है, उनको चलाना होता है, पूरा दिन खेत में चलना पड़ता है। तो जो बेल रख रहे वो खाना भी इनको अच्छे से दे। पहले के टाइम में क्या होता था कि बेलों को अपने बेटों की जैसे रखते थे किसान, लेकिन अभी क्या हो गया कि किसान चारा वारा पैसों के लिए बेच देते, कम ही चारा रखते अपने बेलों के लिए। अगर बेल है तो वो लोग अच्छा खाना खिलाए इनको, क्योंकि वरना फिर क्या होता है कि ये वीक पड़ जाते हैं या चलते नहीं है सही से। और यहाँ पे ब्लेड लगी होती है 3 पीछे, अभी 3 लगा रहे। ऐसे बेलों के लिए ज़्यादा है, 2 ही लगानी चाहिए। मैं पर्सनली भी ये 3 ही है वैसे, लेकिन अभी चलता है। ये इस तरह से होता है और यहाँ पे अलग अलग सेटिंग्स दिया होता है जिसमें से किसी में भी चला सकते हैं, मतलब लगा के। और इस दोनों का गैप हम लोगों ने 26 का रखा हो, 26 इंच दोनों लाइन के बीच। कुछ 20 इंच का भी रखते हैं, कुछ लोग 30 का भी रखते हैं, लेकिन अभी 30 तो बहुत कम हो गया। जितनी कम गैप रखे उतनी ज़्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन ले सकते हैं। और कुछ लोग क्या करते हैं कि बीच में तुअर भी लगाते हैं। तो ऐसे अलग अलग फार्मिंग में ट्रिक करते किसान। लेकिन हमारे एरिया में खास करके मानसून में 99.99% मूँगफली ही लगती है। अभी आजकल कुछ लोग सोयाबीन की भी ट्राई करते हैं। और मोहन का म्यूजिक चल रहा है साथ में, टिंगलिंग 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 ऐसे वाला। खरपियो, इसको हम बोलते हैं खरपिया। और जो स्कॉर्पियो आता है ना गाड़ी, उसको भी कुछ कुछ लोग मस्ती में खरपिया बोलते हैं। और ये हम किसानों का ऑफिशियल हथियार है, हम ये साथ में रख सकते हैं ऑफिशियली। हाँ, हाथ में रख सकते हैं ऑफिशियली। बेसिकली इसका काम ये होता है, इससे क्लीन कर सकते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। जो कोई मतलब कचरा वगैरह जम जाता है ना, तो ब्लेड्स को क्लीन करने के लिए रखते हैं। और हम इसको बलून बोलते हैं। बलून मतलब प्लेन जैसा ये दिखता है, इसलिए। और इसकी बेसिक टेक्निक ये होती है कि ये हाथ से रस्सी पकड़नी है और ये हाथ से वजन देना है और बैलेंस भी करना है। हेलो, सापनिया। हाँ। ये सापनिया है, ये हाथी, ये दोनों लोढ़िया जिसको बोलते हैं ये। हाँ। और मुझे ना याद है, जब मैं छोटी थी, मैं पापा के साथ इसमें पूरे खेत में बैठी हुई हूँ। आगे मैंने बहुत चलाया पहले, ऐसे ऐसे चलाया पूरे खेतों में बहुत चलाया। हाँ, मैं मुझे बैल चलाना बहुत अच्छा लगता है। और नहीं चलने वाले बेल भी जब हाथ में आते ना मेरे, तो चलने लगते। यहाँ पे ये बैठने का होता है, यहाँ पे बैठते हैं या थोड़ा सा आगे बैठते हैं ना। हाँ, यहाँ पे बैठना होता है। हाँ, तो मजा आता है। थोड़ा सा बैठने के लिए ये बनाया होता है यहाँ पे। हाँ, और तब ना बच्चों को ऐसा लगता है कि जैसे एक बड़ी गाड़ी में बैठे हुए हैं। हाँ, क्योंकि पूरे खेत में चलता है। मेरे तो कुछ टाइम कुछ मतलब एक्सीडेंट्स भी हुए इसके साथ। एक दो बार में गिर गया था, ओम की एज का था तब। पापा चला रहे थे घर पे, और गिरने के बाद यहाँ से निकला ये, मेरे मतलब पीठ के ऊपर से गया। और फिर मैं ऐसे इसके साथ साथ क्या बोलते हैं, बेल चलने लगे। तो मैं ऐसे सोते सोते जा रहा था। भारती आपको दिखा रही है सिर्फ कि कैसे चलाते हैं। अभी इसमें तो भारती को आता है, वैसे चलाए हुआ है ना। हाँ, चला सकते हैं। तो इतना परफेक्ट नहीं, लेकिन किसान के बच्चों को इतना तो आता ही है। और मुझे एक और याद आया, शायद तुमको याद होगा। जब पापा चलाते थे ना, जब हम बखला रहते थे, तो ऐसा ही आता था एक और चीज़, जो ये बड़े बड़े मिट्टी के होते ना, उसको तोड़ने के लिए एरो बोलते हैं उसको। एरो ना। हाँ। वो खिला खिला जैसा होता है, इसमें एरो जैसा रहता है। हाँ, एरो जैसा। तो रोल ऐसे चलता रहता है। हाँ, और ऊपर उसका बैठने का होता है, और साइड में मिट्टी के बेरिंग्स लगे होते हैं। अभी आजकल रोटा कल्टीवेशन आ गया, उस टाइम पे वो नहीं था। तो एक वो बोरी भी रख देते थे मिट्टी की, और उस पे बैठ के जाना होता है, तो वो मजा आता था। हाँ, लेकिन वो बेलों को बहुत मुश्किल होता है, उसके लिए बेल तगड़े चाहिए। छोटे बेल, कमजोर बेल नहीं चल सकते उसमें। ये तो अभी क्या, हम लोगों ने ट्रैक्टर से 2 बार चला दिया, तो अभी लाइट हो गया बेलों के लिए, क्योंकि पहला हाथी जो बोलते वो मुश्किल होता है। हेलो हेलो, देखो इनकी स्पीड, जैसे पीछे वाला है ना चलाने वाला, उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है। ये धीरा है। हाँ, ये खबर पड़ जाती। मुझे अभी डर लग रहा है कि ये लाइन में जाएगा तो मूंगफली निकाल देगा। और लाइन उथल अलग अलग हाथ से होता है ना ये। हेलो, दे लेते हैं ये। और इसमें ऐसी आवाज़ें नॉर्मल होती है, ये करना होता है, जैसे कि ये रामदेव जो कर रहे हो। ये इनकी अलग लैंग्वेज होती है। कारी देवी तो भैया भी, कारी देवी बहु बे है। थोड़ी देर में ये क्लीन भी करना पड़ता है, कचरा होता है। और वहाँ पे जो बर्ड्स है, ब्लैक चकली बोलते हैं, कारी देवी जो बोलते हैं, जो बहुत लकी मानते हैं ना अगर। हाँ, खास करके हमारे ऊपर आके बैठे या बेलों के ऊपर, तो हमारे यहाँ बहुत लक अच्छा मानते हैं इसको। वरुड़ी माता जी का स्वरूप बोलते हैं। मेरे ऊपर बहुत बार बैठी है। वो भी था ना उसकी पूरी स्टोरी, जिसमें समंदर में से जो रास्ता बनाया था उसके भाला। हाँ। के ऊपर बैठे के रा की स्टोरी थी ना शायद, रा नौगण और जाहल की स्टोरी। ये मोम गारा तो हारा लेवाता जाए, अणी थी हारा ही लेवाता जाए। ले और ये भी रूल होता है, जब एक बार वहाँ जाते हैं फिर मुड़ के इनको थोड़ी देर खड़ा करते हैं ताकि ये थोड़ा रेस्ट कर सके, उसके बाद चलाते। धूहरी नारायण होता है बीच में और इसका भी रूल होता है, अगर ये सही से आपको ना आए ना तो बेल नहीं चलेंगे। जो बीच में रस्सी है ना वो सही से बांधनी बहुत ज़रूरी होती है। उपाड़ो काट दिया वैश्मा। मूँगफली हमारे यहाँ इस तरफ थोड़ी सी पानी भरने की वजह से थोड़े से नहीं निकली है, बाकी अच्छी मूँगफली है, धीरे धीरे अच्छी होगी आगे आगे, क्योंकि ऑर्गेनिक होती है तो थोड़ी सी पहले वीक दिखती है। और ऑल ओवर जितनी लगाई थी इसमें थोड़ी सी हमारे सीड्स कम निकले, लेकिन ठीक है फिर भी हमारे जितना हो जाएगा। और हमारे 70% निकले, 30 या 40% का नुकसान हुआ है। व्यूअर्स के लिए ऑयल भी मिल जाएगा, जितना भी होगा होगा, बाकी ऊपर वाला देगा भगवान। नेक्स्ट ईयर और विंटर में भी कुछ लगेगा। इस बार देखते गेहूँ, या अगर ज़्यादा पानी रहा तो पूरे में गेहूँ लगाएंगे, अगर इतनी ज़्यादा बारिश नहीं आई अभी नेक्स्ट तो फिर जीरा या कोई भी सोचा नहीं है अभी, लेकिन आगे डिसाइड होता है ये सारा। हमारा आईफोन इतना जूम कर सकता है, 9 जूम। ये 9 जूम लास्ट जूम पे है तो शायद थोड़ा सा आपको क्वालिटी ना दिखे, लेकिन हमारे जो वर्कर है वहाँ पे काम पे लगे हुए, देवकी वहाँ पे खड़ी है। और ये होगी यहाँ से 1100 या 1200 फीट की दूरी है हमारे घर की। अभी यहाँ से हम खड़े हैं वहाँ पे, क्योंकि हमारा दूसरा जो छोटा खेत है वो दूर है, और ये 9 जूम पे शूट कर रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारे वर्कर्स काम कर रहे हैं। अभी इवनिंग को गीगन का काम होता है, रज का कट करना, और वहाँ पे जो नेपियर ग्रास है वो कट करना। अब यहाँ पे रजका का कटिंग हो रहा है और ग्रास कट कर लिया ऑलरेडी। तो वहाँ पे ऊपर जो कटोला बोलते हैं उसका वेला है, और उसमें से जो बहुत ही अच्छी सब्जी बनती है उसकी। और ये हमारा जो नीम का पेड़ है उसके साथ में ही लगे हुए, और बहुत ज़्यादा नींबू तो अभी बहुत ज़्यादा आए हैं, लेकिन कटोला ऊपर की साइड है। तो आज सब्जी इसकी बनने वाली है, कटोला की। ये है कटोला जो कट करके रखे हमने। ऊपर इसका टेक्सचर थोड़ा सा स्पाइक्स जैसा होता है, और ये अभी इसके साथ में प्याज ऐड करके इसकी सब्जी बना देती हूँ। और ये ग्रीन चिलीज हमारे खेत से निकले छोटे छोटे। तो अभी यहाँ का काम खत्म हो गया। अभी नीलेश भाई जाएंगे घर बैलगाड़ी लेके। इसको बैलगाड़ी की सफर करवाते हैं। आ जाओ। बाहु चलाओ, चलो। डर रहा है कि क्या होने वाला है मेरे साथ आज। जाऊ बैलगाड़ी की राइड में आज बाहु भी आया हुआ है, और जैसे गाड़ी चलाने में मजा आता है ना, इसमें ऐसे इसमें भी मजा आता है। तो अभी नीलेश भाई तो इसको फुल स्पीड में जाने देंगे, और अभी इस टाइम पे इसको पता चल जाता है कि घर पे जाना है, स्पीड इसकी और बढ़ जाती है। हल्की हल्की बारिश स्टार्ट हुई है। हमारा खाना हो गया है। भारती शायद बर्तन कर रही थी, अभी छोड़ दिए उसने भी। बारिश तो आज आई थी सुबह भी थोड़ी, अभी भी आई है। वैसे वो हाथी का काम खत्म हो गया, लेकिन जो नींद काम निंदाई का चल रहा है, वो निंदामण जो बोलते हैं जिसको, वो चल रहा है।